गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास थर्ड का हम लेसन 11 पढ़ रहे हैं और लेसन का नाम है द होली यानी कि पवित्र रिवर मीन्स नदी, पवित्र नदी। हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप लोग निकाल लीजिए और पेज नंबर 3.34 पर आ जाइए। द गंगा इज यानी कि है ए होली, एक पवित्र रिवर नदी। गंगा एक पवित्र नदी है। इट यहाँ इज है द मोस्ट सबसे खास सीक्रेट यानी कि धार्मिक रिवर मीन्स नदी ऑफ इंडिया भारत की। यहाँ भारत की सबसे मतलब ज्यादा धार्मिक नदी है। इट यहाँ इज है वॉर्शिप्ड पूजा कर मतलब पूजनीय बाय यानी के द्वारा द हिंदूज यानी हिंदुओं या यहाँ हिंदुओं के द्वारा पूजनीय है। दे यानी कि वे कॉल यानी कहते हैं इट यानी इसको गंगा माता, इसको क्या बोलते हैं, इसे गंगा माता कहकर पुकारते हैं। पीपल लोग बिलीव विश्वास करते हैं देट की ए डीप यानी डुबकी लगाना, इन यानी कि मैं, इट्स यानी इसमें, होली यानी कि पवित्र, वाटर मीन्स पानी, विल यानी कि गा, एंड यानी कि अंत में, देयर यानी उनके, सिंस यानी पाप। इस पवित्र नदी में लोग क्या करते हैं, एक डुबकी लगाने से वो सोचते कि उनके मतलब उनका कहना है कि उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इस नदी में एक डुबकी लगाएंगे तो उनके पाप सारे खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। सो इसलिए दे यानी कि वे गो यानी जाते हैं, एंड मिस और बाथ यानी नहाते हैं, इन यानी कि मैं, इट्स यानी इसमें, होली रिवर यानी पवित्र नदी में, इसलिए वे इस नदी में नहाते हैं, स्नान करते हैं। अब आप इस पिक्चर के नीचे से लेसन पढ़िए। द गंगा राइजेज यानी निकलती है फ्रॉम यानी कि से द हिमालयाज यानी कि हिमालय से, गंगा हिमालय से निकलती है। नियर यानी कि पास में हरिद्वार, हरिद्वार द गंगा लीव्स, लीव्स यानी कि छोड़ना होता है, द माउंटेन यानी पर्वत, हरिद्वार के पास गंगा पहाड़ों को छोड़ देती है। हियर यानी यहाँ, इट यानी भी यहाँ होता है। इंटर्स यानी प्रवेश करती है द प्लेन्स यानी कि मैदान में, यहाँ मैदान में प्रवेश करती है। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एट यानी कि में, द यमुना जॉइंस मिलती है द गंगा, इलाहाबाद में यमुना गंगा से मिलती है। देयर इज इसके ए लेगेंड, लेगेंड का लेगेंड बिहाइंड, लेगेंड बिहाइंड यानी कि पीछे, द कॉमन बिलीफ यानी कि पौराणिक कथा, इसके मुख्य विश्वास के पीछे एक पौराणिक कथा है। इट इज यहाँ है सेड यानी कहा, यह कहा जाता है देट की किंग सागर्स, राजा सागर की, राजा सागर के सन्स यानी पुत्र, वेयर यानी कि थे, फ्री यानी कि स्वतंत्र, फ्रॉम यानी कि से, वेयर देयर यानी कि उनके, एविल यानी बुराई, डीड यानी कि मरना, वेन जब, क्या हुआ था। यह कहा जाता है कि राजा सागर के बेटे अपने बुरे कार्यों से मुक्त हो गए थे, फ्री यानी कि स्वतंत्र मुक्त हो गए थे। वेन जब द गंगा टस्ड, गंगा ने छुआ द एशेस, एशेस का अर्थ होता है मृत, आप देयर एशेस, आप देयर डेड यानी कि उनके, एशेस का अर्थ होता है राख, और देयर डेड यानी कि मृत शरीर, बॉडीज है ना ऊपर, तो मृत शरीर, जब गंगा ने उनके मृत शरीर को छुआ, बॉडीज यानी कि शरीर हो गया ना, जब गंगा ने उनके मृत शरीर की राख को छुआ था। किंग भागीरथ, राजा भागीरथ प्रेड प्रार्थना टू लॉर्ड ब्रह्मा यानी कि भगवान ब्रह्म से, टू यानी कि से, सेंड यानी कि भेजना होता है द गंगा टू द अर्थ पृथ्वी पर। राजा भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा से गंगा को पृथ्वी पर भेजा, भेजने की प्रार्थना की। फॉर दिस ही प्रेड, ही यानी वहा, प्रेड यानी प्रार्थना की,
एंड और फास्टेड, जल्दी से उन्होंने उनको मतलब भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि गंगा को जल्दी से पृथ्वी पर भेजने की, कि जल्दी से इनको पृथ्वी पर भेज दो, यानी कि प्रार्थना की और फास्टेड यानी होता व्रत, और व्रत रखा। एट लास्ट अंत में ही यानी उनकी विशेष यानी इच्छा वेयर यानी कि थी फुलफिल्ड यानी पूरी हो गई, अंत में उनकी इच्छा पूरी हो गई। दस इस प्रकार ही गेव उन्होंने दिया पीस शांति, पीस यानी शांति टू द डिपार्टेड डिपार्टेड सोल यानी कि आत्मा ऑफ इस यानी उनके फोर फादर्स यानी होते हैं पूर्वज। इस प्रकार उन्होंने अपने पूर्वजों की दिव्यंग यानी कि जो आत्माएं होती है ना उनको शांति प्रदान की, यानी आत्माओं को शांति मिल गई। अब आप थोड़ा इसके नीचे से पढ़िए। द गंगा इज हे नॉट ओनली, केवल नहीं होली यानी पवित्र, बट लेकिन यूजफुल उपयोगी आल्सो भी। गंगा केवल पवित्र ही नहीं बल्कि उपयोगी भी है। इट यहाँ ब्रिंग्स लाती है वेरी बहुत मच अधिक सोइल, सोइल का अर्थ क्या होता है मिट्टी, विद के साथ इट्स यहाँ वाटर पानी, यहाँ अपने जल के साथ बहुत अधिक मिट्टी भी लाती है। इट्स स्प्रीड यानी कि आत्मीय द सोइल यानी कि मिट्टी और यानी कि हमारे द फील्ड यानी खेतों में, यहाँ मिट्टी को खेतों पर फैलाती है। स्प्रेड यानी आत्मी यानी कि फैलाना। इट मेक्स यह बनाती है द सोल यानी कि मिट्टी फर्टाइल, फर्टाइल का अर्थ क्या होता है उपजाऊ, यह मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। बिग यानी बड़ा, कैनल से यानी नहरे, बड़ी नहरे हैव बीन डग, खोदी गई, बड़ी बड़ी नहरे खोदी गई फ्रॉम द गंगा, है ना, गंगा से बड़ी बड़ी नहरें भी निकलती है खोदी जाती है। द कैनल्स नहरे वाटर पानी द फील्ड यानी कि खेतों में, ये नहरें खेतों को पानी देती है। देयर आर यहाँ ब्यूटीफुल खूबसूरत सिटीज, सिटीज का अर्थ क्या होता है यानी कि शहर। ऑन इट्स यहाँ बैंक्स यानी कि नदी है, क्या है इसका अर्थ, ये नहरें खेतों को पानी भी देती है, खोदी भी गई है। मेनी फेयर्स यानी कई मेले आर हेल्ड का अर्थ है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, और कई मेले भी यहाँ पर नदियों पर लगाए जाते हैं, नदियों के आसपास मेले लगाए जाते हैं क्योंकि पानी की आवश्यकता पड़ती है इस वजह से। तो आपको मैंने लेसन पढ़ा दिया है बच्चों, अब हम इसके मीनिंग, आप इसके मीनिंग कर लीजिएगा और मीनिंग के बाद इसके टिक द करेक्ट देख लेते हैं हम। पहला है द गंगा इज द मोस्ट सीक्रेट रिवर, इज गंगा सबसे खास पवित्र नदी है, कहाँ की, भारत की, यानी कि बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए द गंगा राइजेस फ्रॉम, गंगा कहाँ से निकलती है तो हिमालय से निकलती है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। सी वाला देखिए इट ब्रिंग्स वेरी रिच विद इज वॉटर, यह पानी कैसे लाती है तो मिट्टी के साथ लाती है यानी कि सोल, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। वेयर डज द यमुना जॉइंट्स द गंगा, गंगा यमुना गंगा से दोनों कहां पर मिलती है तो वो इलाहाबाद में मिलती है, कहां मिलती है इलाहाबाद में, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आप पेज टर्न कर लीजिए, अब इसके ट्रू फॉल्स देख लीजिए। बी वाला द गंगा इज वॉर्शिप्ड बाय द हिंदूज, गंगा हिंदुओं के द्वारा पूजी जाती है, तो यहां पर टी लिख लीजिए। द यमुना जॉइंस द गंगा एट दिल्ली, यमुना गंगा दोनों दिल्ली में मिलती है, नहीं तो एफ लगा लीजिए। द गंगा इज नॉट यूजफुल, गंगा उपयोगी नहीं है तो गलत लगा लीजिए एफ। बिग कैनल्स हैव बीन डग फ्रॉम द गंगा, गंगा से बड़ी बड़ी नहरें खोदी जाती है तो टी लगा लीजिए। उसके बाद आपके मैच दो कॉलम है, दे कॉल इट गंगा माता, यहां पर वन लगा लीजिए। देयर इज ए लेगेंड बिहाइंड द कॉमन बिलीफ, ये टू लगा लीजिए। द कैनल्स इसका आप लगा लीजिए वॉटर द फील्ड, ये थ्री वाला है, और मेनी फेयर्स आर तो ये फोर वाला है, फोर वन टू थ्री, ये आपके मेजो कॉलम हो गए हैं। अब आप इसके खाली स्थान कर लीजिए। द गंगा इज ए के बाद आ जाएगा आपका होली, ये वन आ जाएगा आपका होली रिवर,
नियर हरिद्वार द गंगा लीव्स द, लीव्स द के बाद क्या आएगा, माउंटेन यानी कि पर्वत, ये टू लगा ले। उसके बाद थ्री देखिए, ही गेव पीस टू द डिपार्टमेंट सोल ऑफिस, क्या आएगा, फोर फादर पूर्वज, ये थ्री वाला हो जाएगा। देयर आर ब्यूटीफुल ऑन इट्स बैंक सिटीज, तो 3, 1, 4, 2, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके पहले आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए इसके। क्वेश्चन नंबर आपका 1 देखिए, व्हाई डू द पीपल बाथ इन द गंगा, लोग गंगा में क्यों नहाते हैं, तो वी लर्न देयर सिंस, उनके पाप धुल जाते हैं इसलिए वो उसमें नहाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर डज द गंगा राइज, गंगा कहाँ से निकलती है, तो हिमालयाज द गंगा राइज, गंगा हिमालय से निकलती है, इसको राइजेस कर लो, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका, व्हाट इज द लेजेंड अबाउट द गंगा, पौराणिक कथा क्या है, लेजेंड का अर्थ होता है पौराणिक कथा क्या है, तो फ्री फ्रॉम देयर एविल डीड्स व्हेन गंगा टच द एशेस ऑफ देयर डेड बॉडीज, यानी कि गंगा ने जब उनके मृत शरीर की राख को छुआ था, वो इनकी पौराणिक कथा है, यानी कि मरने के बाद हिंदू मतलब क्या करते हैं, मरने के बाद जलाते हैं, और जलाने के बाद जो राख रहती है उसको क्या करते हैं, गंगा नदी में बहा देते हैं, तो यही पौराणिक कथा है, पूर्वज लोग यही करते हैं और आज भी यही होता है। हाउ डू यू द फील्ड बिकम फर्टाइल, फर्टाइल का अर्थ होता है इसको मतलब लाना, उपजाऊ, यहाँ खेत मतलब खेतों को कैसे उपजाऊ बनाती है, तो इट स्प्रेड द सोल ओवर द फील्ड बिकम फर्टाइल, यानी कि ये मिट्टी को जो है खेतों में फैला देती है, जिससे ये उपजाऊ हो जाते हैं। उसके बाद आपके ये देखिए, आप ट्रांसलेट द फ्लोविंग इनटू हिंदी, हिंदी में इनका अनुवाद कीजिए। द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इट इज वॉर्शिप्ड बाय हिंदूज, यह हिंदुओं का पूजा स्थल है। उसके बाद देखिए, द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज, गंगा हिमालय से निकलती है। तो आपके ये क्वेश्चन आंसर और सभी पूरा हो चुका है, आप अपनी बुक्स अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।